गोड्डा कॉलेज के गुस्साए छात्र छात्राओं द्वारा सड़क जाम करने का मामला प्रकाश में आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार छात्रों ने गोड्डा हसडिया मुख्य मार्ग को कॉलेज के समीप जाम कर दिया। जाम कर रहे छात्रों का आरोप है कि कॉलेज प्रशासन नामांकन में देरी कर रही है। जब छात्रों से पूछा गया कि दरअसल मामला क्या है तो उनका कहना है कि डिग्री सेमेस्टर 1 में कॉलेज द्वारा ऑनलाइन एडमिशन लिया गया है। हम सभी छात्रों ने ऑनलाइन एडमिशन भी करा लिया है, इसके बावजूद कॉलेज प्रशासन छात्र छात्राओं के कागज को एक्सेप्ट करने में काफ़ी विलंब कर रही है। सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के अधीनस्थ मिल्लत महाविद्यालय परसा में बुधवार को बीएड डिग्री पार्ट 3 की परीक्षा कदाचार मुक्त व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया है। परीक्षा में कुल 48 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए जबकि 12 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। वहीं केंद्रीय अधीक्षक सह प्राचार्य डॉक्टर तुषार कांत ने कहा कि डिग्री पार्ट 3 की फाइनल परीक्षा का बुधवार से पूर्व घोषित तिथि के अनुसार शुरू हो गया है। राजमहल सांसद विजय हांसदा ने बुधवार को सदर अस्पताल स्थित निर्माणधीन वायरोलॉजी लैब का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सदर अस्पताल परिसर ओपीडी सहित सभी वार्डों का भी निरीक्षण किया। सांसद ने निर्माणधीन लैब के समक्ष गंदगी व नाली के बहते पानी पर नाराजगी जताते हुए सिविल सर्जन डॉक्टर डीएन सिंह को साफ सफाई करवाने व पानी निकासी की सुचारू व्यवस्था कराने के निर्देश दिए। डॉक्टर्स की कमी तो हम लोग पहले ही बोल चुके हैं कि जो मैन पावर है यहाँ पे अभी जिस वजह से कम होने की वजह से बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप फर्दर नहीं किया जा पा रहा है, तो उसमें हमारी प्रयास रहेगी कि और इसमें हम लोग स्ट्रेंथ बढ़ा पाए। ठीक है। SDPO अरविंद कुमार सिंह ने जिले में बढ़ रहे अपराध के मद्देनजर क्राइम कंट्रोल का निर्देश दिया। यह निर्देश उन्होंने अपने कार्यालय कक्ष में हुए मासिक अपराध गोष्ठी के दौरान दिए, जिसमें सिंह द्वारा पुलिस निरीक्षक एवं थाना प्रभारियों को प्रतिमाह किए गए कार्यों की समीक्षा की गई। समीक्षा में उन्होंने लंबित वारंट, कुर्की जब्ती सहित थानावार फरारियों, बालू शराब एवं अपराध नियंत्रण पर थाना प्रभारियों को कड़े निर्देश दिए। SPYS रमेश द्वारा दुर्गा पूजा को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यह दिशा निर्देश जिले के पदाधिकारियों के साथ हुई आवश्यक बैठक के दौरान लिया गया है, जिसमें SDPO, BDO, CO और SDO स्तर के अधिकारी मौजूद थे। इतना ही नहीं, मुखिया वार्ड सदस्य, पूजा समिति एवं जनप्रतिनिधियों को भी जरूरी गाइडलाइन पालन करने को कहा गया है, जिसके अंतर्गत पुतला दहन नहीं करने, भीड़ एकत्रित न करने, भजन कीर्तन व संगीत करने पर सख्त मनाही है। पूजा पंडालों में केवल 7 लोग ही रह सकते हैं, जब कम से कम 6 फीट की दूरी का पालन करना अनिवार्य किया गया है। गोड्डा उपायुक्त भोर सिंह यादव एवं पुलिस अधीक्षक YS रमेश के निर्देश के बाद जिले में सघन वाहन चेकिंग की गई। जांच अधिकारी SDO ऋतुराज सहित परिवहन पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार रजक एवं नगर थाना प्रभारी अशोक कुमार सिंह के द्वारा तकरीबन 4 दर्जन गाड़ियों का चालान काटा गया। टाउन थाना तथा रुतारा चौक में वाहन जाँच अभियान सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक चलाया गया। जाँच के दौरान मुख्य रूप से बिना मास्क और हेलमेट के चलने वाले चालकों को दंडित किया गया। महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह का एक सराहनीय कार्य सामने आया है, जिसमें उनके द्वारा एक नेत्रहीन बच्चे की मदद करने की बात सामने आई, जो 5वीं तक की शिक्षा ग्रहण कर आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं। इस नेत्रहीन बच्चे का नाम नादिर अली है, जिसका घर जिला मेहरमा प्रखंड अंतर्गत नावाडी गाँव है। नावाडी गाँव के रहने वाले इस नेत्रहीन बच्चे की मदद को इस दफे महागामा विधायक सामने आई है और उन्होंने बच्चे के उच्च शिक्षा और ब्रेल लिपि किट उपलब्ध कराने का जिम्मा लिया है। गोड्डा जिले के नए जनसंपर्क पदाधिकारी के रूप में मोहम्मद इराज आलम ने पदभार ग्रहण कर लिया है। उन्होंने निवर्तमान जिला जनसंपर्क पदाधिकारी विवेक सुमन के पद पर कार्यालय कक्ष में पदभार ग्रहण किया। नवनियुक्त जिला जनसंपर्क पदाधिकारी मोहम्मद इराज आलम ने बताया कि जिला जनसंपर्क के कार्यों की सुचारू रूप से चलाने हेतु पूरी पारदर्शिता के साथ कार्य किए जाएंगे।